हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब देखो ये मेरा माइक ना काम करने लग गया यार। पहले ना मेरे को लगा था कि ये काम नहीं कर रहा। मैंने बाकी फ़ोनों में भी देखा टेस्ट करके कि माइक काम क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने देखा ये मेरा आईफोन 6, मैंने इस फ़ोन में भी चेक किया था ये माइक, तो इस पर वर्क कर रहा था। तो इस फ़ोन पर क्यों नहीं वर्क कर रहा, तो मैं देख जितने भी हमारे रेडमी के फ़ोन होते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है जिसमें एक्सटर्नल माइक काम नहीं कर रहा होता। तो इसके लिए एक ऐप भी आता है जिसमें एक्सटर्नल माइक काम कर जाता है, ओपन कैमरा उसका नाम है। तो वो यूज़ करने के बाद एक्सटर्नल माइक सेटिंग में जाके ओपन करना पड़ता है। तो ओपन करने के बाद जैसे कि आप मेरा माइक की आवाज़ सुन रहे हो, जैसे मैं टैप टैप कर रहा हूँ तो काम कर रहा है ये। अब तो मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा माइक के लिए बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो इसमें काम नहीं कर रहा था एक्सटर्नल माइक। मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद मैंने बहुत सारे मतलब माइक्स देखे, यूज़ किया उसको। एक बार मैंने ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, ये मेरे फ्रेंड ने दिया है, मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे, तो ये फ्रेंड ने दिया है। उसने बोला मेरे पास एक्स्ट्रा माइक पड़ा हुआ है तो तू ले ले, कोई बात नहीं। तो काफ़ी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एक्सटर्नल माइक कैसे यूज़ करना है अपने रेडमी के फ़ोन पर। वीडियो को करते ही यहीं पर ही एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस वीडियो को, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो एक और बात आपको बता दूं, मैं पहली बार छत पर आया हूं, छत का व्यू देखो आप मेरे साथ अब मिलके। तो वो रहा स्कॉन टेम्पल, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो स्कॉन टेम्पल यहाँ से एकदम पास में है बिल्कुल, और इसके सामने ही बिल्कुल मतलब ये दीवार आ रही है तो बुद्ध का मंदिर है। तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ से, बिल्कुल टॉप क्लास का एकदम ब्राउन बिल्डिंग दिखाई देगी आपको, ये कहीं से भी नज़र आ जाती है ईस्ट ऑफ क्लास में। और नेहरू प्लेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नेहरू प्लेस में इरोज होटल है जो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। बहुत काफ़ी सुंदर है नज़ारा है यहाँ का, जहाँ पहले। तो बाय बाय गाइस।